बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की मंजर जरा हुसैन से फिर कर बला के ला मंजर जरा हुसैन से फिर कर बला के ला। 4000 साल कबल पहाड़ों के दामन में एक काफिला उतरा था जो सिर्फ 3 नफूस पे मुश्तमिल था। एक बाप, एक बेटा और एक उस बच्चे की वालिदा। मांग मांग कर अल्लाह से फर्जंद लिया, लेकिन बच्चा यूं ही इस बज़्मे गेती में कदम रखता है तो हुक्म होता है इसको ऐसी वादी में ले जाओ जहां कोई सब्जा ना हो, जहां कोई हमसाया ना हो, जहां शजरे सायादार शजरे फलदार ना हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस काफिले को लेकर यहां पहुंचे। रात गुजरी, सुबह का सपीदा तुलू हुआ तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मैं यहां अपनी जुर्रियत को छोड़ के जा रहा हूं ऐसी वादी में जहां सब्जा नहीं है। ऐ मेरे मालिक, इनकी हिफाजत फरमाना और मैं इनके लिए दुआ करता हूं कि ये नमाज कायम करें और दिलों के रुख इनकी सम फेर दे और इन्हें फलों से रिज्क अता फरमा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस पलटे तो पाक बास खातून ने अपने शौहर नामदार का दामन थाम लिया। तमस्सकत बे अज़्यालिही और पूछा, इस तन्हाई और गुरबत में हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? 99 साल की उम्र में फर्जंद मिला पर अब उसको इस गुरबत और इस तन्हाई में छोड़ के किसके सुपुर्द करके हमें कहाँ जा रहे हो? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। तो पाक बास खातून ने कहा, इज़ल्ला युदीउना, अगर तुम हमें उस रब के सुपुर्द करके जा रहे हो तो खैर से जाओ, वो हमें कभी भी जाया नहीं होने देगा। हरम की ये दास्तान इन 3 नफूस से शुरू होती है। मां अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में सफा से मरवा और मरवा से सफा तक का सफर करती है। 7 चक्करों के बाद बेटे की तरफ बेताबाना दौड़ती है तो क्या देखती है कि बेटे के पांव में पानी का चश्मा फूट रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद और अपनी जौजा मोहतरमा को छोड़कर वापस शाम की समत रवाना हो जाते हैं। बच्चे की उम्र 13 साल होती है। हुक्म होता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे रास्ते में कुर्बान करो। अल्लाह के रास्ते में ऊंट ज़बह करते हैं लेकिन ख्वाब मुसलसल आ रहा है। समझ गए, इस धरती पर सबसे ज्यादा महबूब शय तो मुझे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जात है।
13 साल के बाद उस वादी की तरफ चले जहां अपने बच्चे को और अपनी जौजा को छोड़ा था, और आके अपनी जौजा से कहा कि जल्दी से बच्चे को तैयार कर दो, मैं इसे किसी दोस्त की दावत पे ले जा रहा हूं। बाप बैरून मुल्क गया हो, सालों के बाद जब पलटता है तो कई अकसामों अनवा के खिलौने अपनी औलाद के लिए लेकर आता है, लेकिन कुदरत की नारंगियां देखिए, अल्लाह की तरफ से बंदों पर जो इम्तिहान पड़ते रहे हैं उनके अंदाज देखिए। कहा तुम जाओ तो छुरी ले जाओ, रस्सी ले जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, साथ लिया। शैतान ने समझा शायद इससे बेहतर मौका मुझे ना मिले इस खानदान को वरगलाने का और राह हक से हटाने का। ममता की मजबूरियों से फायदा हासिल करने के लिए हजरत हाजरा सलामुल्ला अलैहा के पास आया और कहने लगा, जानते हो कि बेटा कहाँ गया है? कहा उसके बाप दोस्त की दावत पे लेकर गए। कहा नहीं, वो उसे ज़बह करना चाहते हैं। कहा कोई करने वाली बात करो, भला कोई बाप भी अपने बेटे को ज़बह करता है और फिर बेटा भी वो जिसको मांग मांग के लिया हो? जिंदगी की कमाई 99 साल जिसके लिए हाथ उठा उठा के सहरी के वक्त पुकार करते रहे, मेरे मालिक मेरे घर में भी उजाला कर दे, मुझे भी एक फर्जंद दे दे, तो आज क्या उस फर्जंद की गर्दन पे वो छुरी फेर देगा? कैसी अजीब बात कर रहे हो? कहने लगा उसने एक ख्वाब देखा है और ख्वाब के अंदर जो हुक्म मिला है उसको वो अल्लाह का हुक्म समझ के ऐसा करने पे आमादा हुआ है। तो हजरत हाजरा ने कहा, जालिम तू कहीं शैतान तो नहीं? काश आज मेरी गोद में 1000 इस्माईल होते। शैतान ने समझा कि यहां तो वार नहीं चला, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहने लगा रब को राजी करने के और थोड़े तरीके हैं? क्या बेटे की गर्दन पे ही छुरी फेर के रब राजी होता है? एक ख्वाब को तुम फैसला कुन मरहले में दाखिल कर रहे हो, ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और उसकी तरफ 3 दफा मारा, कहा पीछे हट जा, मेरे और मेरे रब के रास्ते में ना आ, मेरे पास एक इस्माईल है, 1000 इस्माईल भी होते राह खुदा में कुर्बान कर देता। अब मना की वादी में बाप और बेटा पहुंचे। कुरान ने इस वाकया को बयान किया, बाप ने अपने बेटे को मना की वादी में पहुंच करके आगाह किया, क्या बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, अब तू बता कि तेरी राय क्या है? फंजुर माजा तरा, तू अपनी राय बता, तेरी राय क्या है इस मामले में? ये आसान बात नहीं है, मैं और आप भी अपने सीनों में धड़कते हुए दिल रखते हैं, हमारे आंगन औलादों से भरे हुए, हम अपनी औलादों के चेहरे को देखकर कल्ब और रूह की तस्की का सामना करते हैं, उनके मामूली से दुख पर हमारे दिल गमजदा हो जाते हैं। मना की वादी है, पहाड़ों का दामन है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कह रहे हैं, बेटा मैंने देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, अब तू बता तेरी राय क्या है? बेटा इस बात को सुनकर खामोश हो जाता, जवाब ना देता तो यह भी बड़ी बात थी, बेटा सरे तस्लीम खम कर देता और दबी सी आवाज से कहता, अच्छा जो तुम्हारी मर्जी। तो यह भी इम्तिसाल अमर था, हुक्म की तामील थी। बेटा बखुशी कहता, हां अब्बू जी जो हुक्म मिला है
मुझे ज़बह कर दीजिए। तो ये भी पूरा अदब था और हुक्म की पूरी पूरी तामील थी। लेकिन बेटे का जवाब सुनिए और बेटे का अंदाज देखिए। जब बाप ने कहा बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूं, तो बेटा ये नहीं कहता या अबा तिस्बह, हां मेरे बाप मुझे ज़बह कर लीजिए। सवाल ज़बह का था, जवाब भी ज़बह से दे दिया जाता तो सवाल का मुकम्मल जवाब था। ये नहीं कहा कि ऐ मेरे बाप आप ज़बह करना चाहते हैं, हां मुझे ज़बह कर लें। बल्कि कुरान मजीद खोलिए, जवाब कितना आली नस्ब है और अल्फाज की तरतीब के अंदर धड़कते हुए दिल की कैसे सदा सुनाई दे रही है। काला या आबा तिफ़अल मा तुमर सताजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कहा मेरे बाप ज़बा क्या, जो भी हुक्म है करो, फकत ज़बा ही नहीं मेरे बदन के टुकड़े करना चाहो तो इस्माइल हाजिर है, मुझे आग में जलाना चाहो तो इस्माइल हाजिर है। या आबा तिफ़अल मा तुमर मेरे बाप जो करना है कर गुजरिए। सताजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप देखेंगे मैं सब्र करके दिखाऊंगा। ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, कहा जो करना है करो, मुझे आप बिल्कुल इसके लिए तैयार पाएंगे, जो भी हुक्म है उसकी तामील करो। अब वादी मना पहाड़ों का दामन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों में छुरी और कहा मेरे बाप मुझे रस्सियों से जकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि शिद्दत दर्द से तड़पने लगूं और आपको अल्लाह का हुक्म तामील करने में, उसका हुक्म पूरा करने में देर हो जाए। और मेरे बाप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खूबसूरत चेहरा ज़बह के लिए रकावट बन जाए और मोहब्बत आपके सीने के अंदर इस तरह जोश मारे कि आपकी छुरी रुक जाए। बाप ने आंखों पर पट्टी बांध ली, बेटे को रस्सियों से जकड़ लिया गया। फिर बेटा कहने लगा अबू जी मेरी रस्सियां खोल दो। कहा बेटा क्या हुआ, इरादा तो नहीं बदला? कहा नहीं मेरे बाप, कल का मुअर्रख लिखेगा कि बाप ज़बह करना चाहता था, बेटा ज़बह होना नहीं चाहता था, बाप ने बांध के किया है, मेरी रस्सियां खोल दो नहीं तड़पूंगा। अब कुरान खोलिए, इरशाद फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों राजी हो गए, बाप ज़बह करने पे राजी हो गया, बेटा ज़बह होने पे राजी हो गया। ये राजी होना कोई आसान काम नहीं है, को हमालिया का कलेजा भी होता तो फट जाता। मना की वादी थर थर कांप रही है, मालिक कयामत आने वाली है। वो बेटा जिसको मांग मांग कर लिया था, आज उस फरजंद को बाप ने लिटाया हुआ है और उसकी छाती पे अपना घुटना रखा है। फलम्मा असलमा, जब दोनों राजी हो गए, फला कोठी खरीद लें, फला मॉडल की गाड़ी खरीद लें, नहीं नहीं, बाप ज़बह करने पे राजी है, बेटा ज़बह होने पे राजी है। जब दोनों राजी हो गए वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। मुफस्सरीन ने इस पे दो कौल बयान फरमाए हैं, एक तो ये कि पेशानी के बल लटाया और ऊपर से ज़बह करना चाहते थे गर्दन के पीछे से, ताकि बेटे का चेहरा सामने ना हो, यह है पेशानी के बल लटाने का एक अंदाज। और दूसरा अंदाज मुफस्सरीन फरमाते हैं, जिस तरह हम जानवर को ज़बह करते हैं तो उसकी गर्दन को खम देकर पीछे जमीन पे लगा लेते हैं, ताकि उसकी रगें तन जाएं, गर्दन खुल जाए और ज़बह करने में आसानी हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने नौनहाल की रेशम जैसी गर्दन को खम देकर पीछे पत्थर के साथ पेशानी लगाई, और जब वो गर्दन तन गई तो इसको कहते हैं वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटा लिया, हाथ में छुरी है। और जब हजरत खलील ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, धरती का कलेजा कांपने लगा, हूरों की चीखें निकल गई, अर्शे मुल्ला थरवाने लगा,
फरिश्ते कांपने लगे, मालिक कयामत तो नहीं आने वाली, कहा मेरे बंदे की जरा बाकी अदा को तो देखो, तुम कहते थे सजदे हम करेंगे, तुम कहते थे रुकू हम करेंगे, ये तो धींगा मुश्ती और फसाद करेंगे, जरा देखो बाप अपने बेटे को किस तरह मेरे हुक्म पर ज़बह करने के लिए तैयार है। कायनात का कलेजा कांप रहा था, सूरज बादलों की ओट में मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था, दोपहर का वक्त, मना की वादी, पत्थर की ओट, हजरत खलील के हाथ के अंदर छुरी, रेशम से नाजुक जैसे गले के ऊपर छुरी रखी, बेटा भी जिसको मांग मांग कर लिया था, और इतना हसीन बेटा कि उसकी पेशानी में नबूवत का नूर चमक रहा था। फलम्मा आसलमा वतल्लहु लिल जबीन, और जब पेशानी के बल लटा लिया तो हजरत खलील ने छुरी तेज करके बेटे की गर्दन पे रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को फेर दिया, लेकिन छुरी ने एक बाल भी नहीं काटा। जल्दी से पास पड़े एक पत्थर पे छुरी को मारा, लेमा तक तैया सिक्कीन, ए छुरी क्या हो गया, क्यों नहीं काटती। कहा अल खलीलो या मुरोनी वल जलीलो यनहानी, खलील मुझे काटने का कहता है और जलील कहता है खबरदार अगर एक बाल भी काटा तो। कहा छुरी तेरा काम तो काटना था, कहा आग का काम भी तो जलाना था, जिस रब ने आग को जलाने से रोक दिया था आज उसने मुझे काटने से रोक दिया। इसका यह मतलब नहीं समझे कि चलो जान छूट गई रास्ता मिल गया, कहा शायद मैंने ज़बह करने में देर कर दी और अल्लाह ने छुरी को रोक दिया। फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ा, माफी मांगी और फिर छुरी को तेज किया और हलक के ऊपर उसकी नोक रखकर पूरी हिम्मत के साथ अपना सारा जोर उसके ऊपर ढेल दिया, गला कट गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए और कलेजा फट भी रहा है, लेकिन जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि ज़बह होने वाला दुम्बा है और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्करा रहे हैं और पास हजरत जिब्रील अमीन भी खड़े हैं, तो दिल खुशी से सरशार हो गया कि हजरत जिब्राईल अमीन का खड़ा होना इस बात की गम्माजी कर रहा था कि यह दुम्बा अल्लाह की तरफ से आया है और बेटा बच गया और उसकी जगह फिदियतन दुम्बा दे दिया गया, तो दिल राजी हुआ और अल्लाह ताला जल्ला शानहू की तरफ से इस ऐन मौके पे सदा भी आई, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक्तर रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। कहा इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया, वनादैनाहु, ये वाव हालिया है, उलमा बयान करते हैं इस हाल में जब बेटा जिंदा सलामत खड़ा था और दुम्बा ज़बह पड़ा हुआ था, जिब्राईल अमीन पास खड़े मुस्करा रहे थे, इस हाल में हमने नदा दी ताकि मजीद इस आनो यकीन पैदा हो जाए, मजीद यकीन और यकीन की कैफियतें पैदा हो जाएं, उस हाल में हमने नदा दी। लेकिन आला हजरत इसका तर्जुमा करते हैं, आला हजरत पे रूह फिदा हो, आप फरमाते हैं सबने ये तर्जुमा किया इस हाल में हमने नदा दी, आपने लिखा फिर इस मौके का हाल ना पूछ जब हमने नदा दी, फिर इस मौके का हाल ना पूछ जब हमने नदा दी। क्या इब्राहिम तूने हद कर दी, तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। और आगे फरमाया सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर मेरी सलामतियां नाजिल हो। ये हरम का काफिला था जिसका आगाज कुर्बानी से हुआ था। अल्लाह अकबर, नस्ल इस्माइल को बाकी रखना था, अल्लाह ताला ने उसके लिए दुम्बा भेज दिया, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा चमक रहा था, सिलसिलावार ये नूर हजरत अदनान की पुश्त में पहुंचा और वहां से मुंतकिल होता हुआ ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में पहुंचा। अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता फरमाए, उन्होंने मन्नत मानी थी, ए अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे दे और वो जवान हो तनोमंद हो तो मैं एक बेटा तेरे रास्ते में कुर्बान करूंगा। जब हजरत अब्दुल्ला जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के छोटे फर्जंद थे, उनकी उम्र 18 साल हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आई, उन्होंने अपने 10 बेटों को बुलाया, कहा बेटा मैंने काबा के रब से ये वादा किया है कि अल्लाह मुझे अगर 10 बेटे देगा
تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ کہا رائے بتاؤ، 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کہا جس کو چاہو۔ کہا نہیں، میں کرا ڈالتا ہوں۔ جب کرا ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام کرا نکل آیا۔ فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب کرا نکالا تو میرے اس فرزند کے نام کرا نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں، باختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتا کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی، تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے؟ جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور کرا ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کی طرف کرا نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10-10 بڑھاتے جانا۔ جب کرا عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا ہے۔ کہا ٹھیک، آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب کرا نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر کرا نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، کرا حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60-70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب کرا نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب کرا اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ کرا ڈالو، اگر 3 مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کرا جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی کرا اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب کرا ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے، حضرت عبد المطلب تیار ہیں۔ کہا اگر تیسری مرتبہ بھی کرا اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ کرا ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، لوگوں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔
एक ज़बी इस्माईल अलैहिस्सलाम है और एक ज़बी मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जल्दी से हजरत अब्दुल्ला की शादी की गई। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आपसे निकाह हुआ। शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम की तरफ तजारत की गर्ज से गए। वापस जब मदीना तय्यबा पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो चंद लम्हे चंद दिन वहां रुक गए। काफिला भी रुका लेकिन तबीयत संभल नहीं रही थी, काफिले वाले उन्हें वहां छोड़ आए और वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद खबर पहुंची कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु का मदीने में इंतकाल हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम शिकमे मादर में, फरिश्तों ने कहा मालिक तेरे नबी तो शिकमे मादर में यतीम हो गया। ए अल्लाह तेरा नबी तो शिकमे मादर में यतीम हो गया। आवाज आई आना हाफिजहू व आना नासिरहू व आना काफिलहू, तुम क्यों परेशान होते हो, मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा, उसकी मदद भी करूंगा, उसकी कफालत भी करूंगा। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के दिल में यह ख्याल था कि मैं अपने शौहर नामदार, जिसके चेहरे को अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं था, उसकी कब्र पे जाऊं। लेकिन जो अमानत थी उस अमानत के तकाजे उनको इस सफर से रोकते रहे। हत्ता कि हुजूर की विलादत हुई, आका करीम की उम्र जब 6 साल हुई तो अब उनके दिल में ये जज्बे और ये एहसास उजागर हुआ और ये जज्बा बढ़ गया कि मैं जाऊं और अपने शौहर नामदार की कब्र पे हाजिर हूं। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आप अपने नौनहाल फरजंद को लेकर उम्मे ऐमन जो कि हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी उनको लेकर आप पहुंचे। मदीनतुल मुनव्वरा कुछ अरसा गुजारा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को किसी यहूदी ने देखा तो उसने ये खबर गर्म कर दी कि वो जो मौऊद नबी है जिसका वादा हमारी साबका किताबों में है वो यही है। लोग जौक दर जौक देखने आने लगे तो हजरत आमना परेशान हुई और जल्दी से वो मक्के की तरफ आज़म सफर हुई। अभी मक्के से 150 किलोमीटर का फासला बाकी था कि अबवा के मकाम पर हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा को सख्त बुखार हो गया और हजरत आमना समझी कि ये मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। तो उन्होंने उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा लगता है कि ये बुखार मेरी मौत का बायस बनेगा, मैं तुम्हें वसीयत करती हूं कि मेरे बेटे को बहाफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। और उसके बाद हुजूर को हजरत आमना ने बुलाया, अपने सामने बिठाया, सर पे हाथ रखा। हजरत आमना हुजूर से कुछ बातें करना चाह रही थी। वादी अबवा के अंदर ये मंजर बड़ा दिल गुदास था। हजरत आमना ने हुजूर के सर पे हाथ रखा और रोते हुए कहा, आंखें छलकने लगी, कहा बेटा हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है और हर बाकी ने फना हो जाना है, मैं भी जा रही हूं, व जिक्रा बाक व वलत तो तुहरा, लेकिन सुनो मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, मैं तेरे जैसा पाकीजा बेटा छोड़ के जा रही हूं। ये आखिरी लफ्ज थे हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के। उसके बाद हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आखिरी हिचकी ली और हुजूर से मां भी जुदा हो गई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा को वहां दफन किया उम्मे ऐमन के साथ मिलके। जैसे भी हो सका, वो क्या किसी ने कहा था, तुझे किन फूलों से हम कफन दें, तू जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। आका करीम की आंखें छम छम बरस रही हैं। हजरत उम्मे ऐमन हुजूर को अपने साथ चिमटा लिया और मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच के हुजूर के दादा के सुपुर्द किया। 2 साल तक वो हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी कफालत में उन्होंने रखा। काबतुल्ला के साए में उनकी मस्नद बिछती थी और उनके बेटों में से और कौम के किसी फर्द को यह हिम्मत नहीं होती थी कि उस मस्नद के ऊपर बैठे, दूर हट के बैठते थे, लेकिन हुजूर जब आते तो उस मस्नद के ऊपर चढ़ के बैठ जाते। हुजूर के चचा और हुजूर के दीगर अजीज व अकारिब कहते कि बेटा ना चढ़ो, तो हजरत
अब्दुल मुत्तलिब कहते रहने दो, ये बड़ी शान वाला बेटा है। उनसे मोहब्बत करते, उनको अपने साथ सुलाते। 8 साल की हुजूर की उम्र हुई कि अमीर कुरैश का भी इंतकाल हो गया। इब्ने हश्याम ने लिखा है कि जब अमीर कुरैश का इंतकाल हुआ तो सोग में मक्के के बाजार बंद हो गए, पूरा शहर जनाजे में उमड़ आया, लेकिन 8 साल का बच्चा था, बिलक बिलक के रो रहा था। आज वो साया भी उठ गया। फिर चचा की कफालत में गए और उन्होंने जिस अंदाज से कफालत की और मोहब्बतों का सबूत दिया, वो उल्फतों की एक लंबी दास्तान है। 40 साल की उम्र हुई तो अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को नबूवत की जुम्मादारियों के ऐलान और लोगों तक पैगाम हक के इबलाग का हुक्म दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम जब पैगाम हक लेकर मैदान में आए तो गली कूचों और बाजारों के अंदर मुखालफतें, नुक्ताचीनियां, नामवाफक हालात के जकड़ और मुखालफतों की आंधियां चलने लगी। अभी आप सुन रहे थे कि हजरत बिलाल हबशी के साथ क्या सलूक किया जाता रहा, किस अंदाज के साथ उनके सीने पे पत्थर रख दिया जाता, हजरत खबाब बिन अर्द के साथ कौन सा सलूक किया जाता रहा, कौन कौन से दुख थे जो रवाना रखे गए, हजरत जुनैरा उनके गले के अंदर कोड़ा डालकर कोड़े की रस्सी को ताव दिए गए, यहां तक कि उनकी आंखें बाहर आ गई और आंखों की रोशनी जाती रही। अबू जहल बोला, अब बुलाना अपने मोहम्मद को जो तेरी आंखों की रोशनी को वापस करे। जुनैरा ने हाथ फैला लिए और कहा, अर्श के रब, मैं इन आंखों का नूर किया, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाते, कभी भी तेरे से जिंदगी ना मांगती, लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है, मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। रिवायात में आता है कि अल्लाह ने हजरत जुनैरा की आंखों की रोशनी वापस कर दी। तकलीफें आई, दुख आए, मक्के के चौक के अंदर हजरत सुमैया को नेजा मारकर अबू जहल ने शहीद किया। ये इस्लाम की पहली शहीदा थी जिनका खून मक्के के रेगजार के अंदर गिरा। हजरत यासर को शहीद किया गया, ये हजरत अम्मार इब्ने यासर के वालिद थे और सुमैया हजरत अम्मार इब्ने यासर की वालिदा माजदा थी। हजरत अम्मार इब्ने यासर को तख्ताए सीतम पे रखा गया और उन्हें कोड़ों से उनकी तवाजो की गई। आका करीम आए, अम्मार इब्ने यासर दुखों रजियतों में से दो चार थे। आका करीम ने सर पे हाथ रखा और कहा, सबरन आला यासर, सबरन आला यासर, इन्ना मौइदा कुमुल जन्ना। कहा, आले यासर सबर करो, आले यासर सबर करो, मैं तुम्हें जन्नत का वादा देता हूं। तकलीफें आईं, दुख सहे, इस रास्ते के अंदर मक्के की गलियों में हुजूर के साथ जो सलूक हुआ कौन भूल सकता है। कभी कांटे बिछ रहे हैं, कभी हुजूर की राहों में गड़े खोदे जा रहे हैं, कभी ओजरियां डाली जा रही हैं बदने अतहर के ऊपर। अबू लहब अपने घर का कूड़ा उठाकर हुजूर की दहलीज पे डाल जाता है। उकबा बिन अबी मुआयद हुजूर के गले के अंदर कपड़ा डाल के उसको ताव देता है। हुजूर फरमाते हैं, जितने दुख इसने मुझे दिए किसी ने नहीं दिए, अजियतों की दास्तानें रकम हो रही हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के शफीक चचा भी इंतकाल कर जाते हैं। जब घर आते तो अपनी जौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से दुखड़े कहते, वो भी इंतकाल कर जाती हैं। इस साल का नाम आमुल हुज्न रखा जाता है, दुखों का साल, मुसीबतों का साल। आका करीम बहुत दिल बर्दाश्ता हुए कौम से, फिर सोचा, चल ताइफ चलता हूं और ताइफ वालों को पैगाम हक देता हूं, शायद मेरी आवाज पर वो लब्बैक कह दें। 1 महीने का सफर करके हजरत जैद बिन हारसा को साथ लेकर ताइफ पहुंचे। उनके 3 सरदार थे, अब्द यालील बिन अमर, हबीब बिन अमर और मसूद बिन अमर। उनके पास जाकर पैगाम हक दिया, कहा, तुम्हारी भलाई का संदेशा लेकर बड़ी दूर से चला हूं, मेरी दावत को कबूल कर लो, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामरानी तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये दावत पेश की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दावत को मुस्तरद करते हैं। एक बोला कि और कोई जमाने में बंदा नहीं था जिसको नबूवत मिलती, तुझे मिलनी थी। किसी ने कुछ कहा, ताने दिए, दिल दुखाया हुजूर का। आका करीम ने फरमाया, इस फाल तुम मा फाल तुम फक तुम अलैया, तुमने जो मुझसे कहा सो कहा, तुमने जो मेरे साथ सलूक किया वो तुम्हारी मर्जी, इतना मेरे से वादा करो कि ये बात कि मैं तुम्हारे पास आया हूं दावत दीन देने के लिए,
تمہیں پیغام حق دینے کے لیے اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، اور جب انہیں پتا چلا کہ طائف گئے ہیں تو وہ طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تدہیق بنائیں گے، لہذا جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں، انہوں نے افشا کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوبہ محبوب کائنات، کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ آقا، احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آپ پر آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں طائف سے باہر نکلا تو ان کے غنڈے دو رویا کے تاروں میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں پتھر، اور میں درمیان سے گزرنے لگا تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پاؤں اٹھا لیتا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، پھر میں شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتا تو ان کے دو غنڈے آگے بڑھتے، مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مجھے پتھر مارتے۔ فرمایا اے عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے، آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا، آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے۔ اور پھر جب حضرت صفی آئیں اور ان کے پاس دو کفن کے ٹکڑے تھے، دو کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا سات انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو، میرا حمزہ دو کپڑوں میں اور اسے ایک کپڑا بھی نصیب نہ ہو، محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے۔ اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو ایک کپڑا لمبا تھا، ایک کپڑا چھوٹا تھا، عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں اور چھوٹا انصاری کو دے دیں۔ کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، کرا ڈال لو، کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے۔ اور جب کرا ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا اور بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا۔ اب وہ کپڑا جب حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آقا کریم فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو اور ازغر گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دن اتنے غم زدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے تو حضور کو پکڑ کر خچر سے، سواری سے اٹھا کر حضور کو جو ہے وہ نیچے رکھا گیا، سخت تکلیف میں تھے، دکھوں کی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا، خوبصورتیاں آ گئیں، روشنی آ گئیں، آسمان سے ہر دم نور اترنے لگا، وہ وقت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہو گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی، خبردار تم نے میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتا چلے کہ کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، کس در پہ آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اس ماحول کے اندر گھر میں خوش ہیں، آنگن میں خوشیاں ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے شہزادے، حضور کی ران پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین بھی دوڑتے دوڑتے آئے اور وہ بھی حضور کی ایک ران پہ بیٹھ گئے۔ حضور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتہ نے اذن مانگا، آقا کریم نے اذن دیا، اس نے عرض کی حضور ان دو میں سے ایک کا اختیار ہے، ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی۔ اب قربانیوں کی وہ حرم سے جو داستان چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے، وہ تسلسل جاری ہے۔ حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا،
اور پھر ایک نظر حضور نے حضرت امام حسین کو دیکھا، پھر حسین کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے اس بیٹے پہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضور کو جب خبر پہنچی آقا کریم کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی، وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور حضور اپنے بیٹے کے سرحانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَاوَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو گریبان نوچتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، کہا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا واویلا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ اب امام حسین حضور کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی حضور اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی، کہا سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ کبھی سجدے میں ہیں تو حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کافی بیت چکی تھی، میں حضور کے در پہ گیا، صحابہ حضور کے در پہ چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے، آقا کریم اپنی مرضی سے آتے، صحابہ دکھڑا کہہ لیتے، کہانی کہہ لیتے، جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے، لیکن اگر کبھی حالت ناگزیر ہوتی، کبھی ایمرجنسی حالات بنتے، تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے۔ کان تکرا ہوا بواب النبی بالاظافر، اللہ اکبر، حضور تشریف لائے، حضور سے حاجت کہی۔ یہ 14ویں صدی کی مصیبت ہے کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، اگر نبی سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگے؟ اور کون سی چوکھٹ ہے جس در پہ جھولی پھیلائیں؟ کون سا دوارہ ہے جہاں کشکول پھیلا کے کہیں کہ ہماری جھولی بھر دی جائے؟ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا ذلیل کرتا ہے، نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کر۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا، جب حضور گفتگو کر رہے ہیں دوران گفتگو، اللہ کے محبوب کمبل اوڑھ کے یوں ہی آ گئے تھے، حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے جس طرح اندر کوئی چیز ہے۔ میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا ماجرا تھا، آپ کمبل اوڑا ہوا ہے اور اندر سے کسی کی حرکت کا احساس ہے؟ فکشفہ، حضور نے کمبل کو کھول دیا، فائض الحسن والحسین علی وارکہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ اور ایک دن فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لمحے بیتتے گئے، پھر وہ جان گداز لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے سبت علیہ مصائب لو سبت علی الارض سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، روحیں گداس ہو رہی تھی، ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا اللہم اذهب بصری حتی لا ارى بعد حبیب محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، مجھ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، تیرا محبوب تہے مزار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھی آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کلیجہ بھی پگل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں، وہ اونٹنی غصبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی، جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ کائنات اجڑ گئی، جہان میں جو ہے وہ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا،
लेकिन रोशनी के टमटमाते हुए चिराग आज भी रोशन हैं, जिनको देखकर मुस्तफा याद आते हैं। लोग इन शहजादों को देख लेते हैं और हुजूर की याद को ताजा कर लेते हैं। वक्त गुजरता गया, फिर वो लम्हे भी आए कि जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और आपका कलेजा कट कट के कई सौ हिस्सों में बाहर आया। आपसे आखिरी लम्हे हजरत इमाम हुसैन ने पूछा कि मेरे भाई कोई वसीयत? कहा, बेटा कूफे वालों से बच के रहना, उनके दगे से बच के रहना। लम्हे बीत गए। 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ, तख्त नशीन हो गया था, लेकिन उसने यह चाहा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे लिए बैत कर लें। और उसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उकबा को खत लिखा और खत का मजमून यह था कि इमाम हुसैन को बुलाओ और मेरे लिए बैत लो, और अगर वो बैत नहीं देते तो इस खत के जवाब के साथ उनका सर भेज दो। वलीद बिन उतबा मुहिब्बे अहले बैत था, उसने रात की काफी तारीकी के अंदर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को पैगाम भेजा। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से मशवरा किया। उन्होंने कहा, इस वक्त गवर्नर का बुलाना खैर नहीं, सुबह जाएंगे। आप मैं नहीं, मैं भी जाता हूं। कुछ सवारों को साथ लिया, कहा तुम बाहर खड़े हो जाना दारुल अमारत के, अगर मैं आवाज दूं तो तुम दीवारें फलांग के अंदर आ जाना। वलीद बिन उतबा के पास इमाम हुसैन पहुंचे। आपने कहा कि सुनाओ क्या मामला है, तो उसने कहा कि ये खत है जो यजीद ने भेजा है। आपने फरमाया कि मैं सुबह बताऊंगा। वलीद बिन उतबा ने कहा ठीक है। इमाम हुसैन पलटने लगे तो मरवान बिन हकम जो पास बैठा हुआ था गवर्नर के, कहने लगा ये चले गए तो दोबारा हाथ नहीं आएंगे, अब मौका है, अब इनको पकड़ लो और इनसे जबरदस्ती बैत ले लो। ये बात हजरत इमाम हुसैन के कानों में पड़ी। आप पलटे, नियाम से तलवार निकाली, हैदरी किछार से मुहम्मदी शेर निकल आया, और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उन्होंने उस वक्त जो जुमले कहे तारीख के औराक के अंदर वो जुमले महफूज हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, अय्युहल अमीर, ए अमीर तू जानता नहीं हम कौन है? इन्ना मादिनुर रिसाला व महबतुल वही व मुख्तलिफुल मलाइका, मैं वो हूं जिसके घर में जिब्रील आता था, हमारे घर में वही उतरती रही है। वह यजीद अब्दुल मुआविया रजुलुन फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्से मोलनुन बिल फिस्के शारिबुल खमर व मिसलुना ला युबायो, कहा और यजीद शराबी है, यजीद मुसलमानों का कातिल है, यजीद फास्के मोलन है। ए अमीर, मेरे जैसा शख्स छुपकर बैत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने जब यह बात कही, जो बाहर लोग खड़े थे वो भी चाको चौबंद हो गए। उसने कहा, हुजूर आप जाइए। मरवान मशवरे देता रहा, लेकिन हजरत इमाम हुसैन को गवर्नर मदीना ने कहा कि आप जाइए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला वापस पलटे। हजरत इमाम हुसैन की हमशीरा सैयदा ज़ैनब इंतजार कर रही थी भाई का। पूछा क्या माजरा है? कहा हालात बिगड़ गए, अब हमारा मदीने में रहना महाल है, सुबह सहरी से कबल कबल शहर मदीना छोड़ दें। अल्लाह अकबर, वरना हमारे खून से नबी का हरम लालाजार बनेगा। हजरत इमाम हम्माम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले बैत की मुशावरत से यह फैसला कर लिया। कुजावे कसे जाने लगे, सामान तैयार हो गया। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को कहा कि तुम यहां रहो और तुम खबर पहुंचाना कि पीछे क्या माजरे होते हैं, और मक्के की तरफ मैं सफर कर रहा हूं। वहानी लंबी हो रही है और वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि फिर किस तरह शहर मदीना छोड़ा होगा। जहाजी जाते हैं 8 दिन और 8 दिन के बाद मदीना छोड़ते हैं। उनसे कोई पूछो कि मदीना छोड़ना कितना मुश्किल है। वो क्या किसी हाजी को लोग मुबारक दे रहे थे? उसने कहा था, मुबारक दे रहे हो दोस्तों हज्जो ज़ियारत की, मेरा गम भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूं। जो 8 दिन मदीना रहता है उससे मदीना छोड़ा नहीं जाता जिसकी विलादत मदीने में हुई।
جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے، کہانی طویل ہے۔ 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف عزم سفر ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین فرماتے، میرے غم گسارو، میرے پیارو، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سمرا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہیں۔ کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ انوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا، تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا، تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا، ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے، تم بوسے لوگے کس کے؟ حجو اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا، لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا، تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا، اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا۔ لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے، جب تم حج کر لو گے، تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے حرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے حرام کھول دوں گا، تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا، اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریگ زار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعہ کا یوم سعید تھا، بیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی، 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی۔ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو؟
जिसका नाम लेते हुए शर्मिंदा होते हो, जिसका नाम लेने के बाद पसीना पसीना होते हो, तुम अपने कायद और लीडर का नाम लेते झिझकते हो, गर्दन झुका के दाएं बाएं देख के नाम लेते हो, और जब हम नाम अपने आका का लेते हैं सर उठा के लेते हैं। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, साहेबो करबला का तपता हुआ मंजर है, इतने दुख आ गए। हजरत सिर्री सक्ती रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया, इंसानों को तखलीक किया, तो इंसानों को पूछा बताओ तुम मेरे होगे, सब ने कहा मालिक हम तेरे हैं, लेकिन जब दुनिया को पैदा किया तो 9 हिस्से दुनिया की तरफ हो गए, एक हिस्सा अल्लाह की तरफ रह गया। फिर जब उकबा को पैदा किया जो 10वां हिस्सा था, उसमें 9 हिस्से फिर आखिरत की तरफ हो गए, जन्नत दोजख के लालच में हो गए, और एक हिस्सा सिर्फ कहने लगा ना हम जन्नत को देखते हैं ना दोजख को देखते हैं, मालिक हम तो तुझे देखते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने बलाओं को पैदा किया, आजमाइश और इम्तिहानों को पैदा किया, तो 10वें हिस्से के उस 10वें हिस्से में फिर 9 हिस्से जो है वो पीछे हट गए। एक हिस्सा ऐसा था जिसने गर्दन झुका के कहा जमीनों आसमान की बलाएं बना के हमारे गले का तौक बना दे, तेरे रास्ते से नहीं हटेंगे। करबला के तपते हुए रेगजार में वो मंजर रकम होने वाला है। एक कुर्बानी मना में हुई थी, गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा है इस्माइल। वहां दुम्बा आ गया, आगे 100 ऊंट आ गए, और आज अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर के सामने खड़े हैं। कहा लोगो मेरा हक पहचानो, मेरे खून से अपने हाथ न रंगो, मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? कहा लोगो जल्दी ना करो, मेरे हक को पहचानो, इस वक्त रूए जमीन पर किसी नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं है। लोगो मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे खून से अपने आप को अबदी बदबख्तियों का शिकार न करना। बल्कि आपने नाम ले लेके फरमाया कि ए ज़ैद बिन हारस, ए इब्ने दुबी, ए इब्ने जुबैर, ए फलां फलां, नाम लेकर कहा। कहा तुमने खुद ही खत लिखे थे? उन्होंने कहा हम खत नहीं लिखे। आपने वो चमड़े का थैला था उसको उलट दिया, कहा ये तुम्हारे खत हैं और आज तुम मुकर गए हो। उन्होंने कहा कि सीधी बात है, या तो बैत करो और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कैसी बात करते हो, अगर मैंने बैत करनी होती तो मदीना क्यों छोड़ता, उस जाय पना को क्यों छोड़ता? दौलत की तजौरियां खोल दी गईं, पेशकशें की गईं। हजरत इमाम हुसैन फरमाए ये कभी नहीं हो सकता, जिससे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असल उसूल हो, जो ना बिक सके जो ना झुक सके, उसे करबलाएं ही रास हैं। फिर जबर की आंधी चली, एक एक करके जानसार राह खुदा में कुर्बान होता गया। फिर खानदान नबूवत की बारी आई, हजरत अली अकबर हजरत इमाम हुसैन के जवान साल बेटे राह खुदा में जान पेश करते हैं, भतीजे कासम रदी अल्लाह तआला हो जान कुर्बान करते हैं, हजरत अब्बास के कलम होते हैं बाजू, जो खुद जा सकते थे वो खुद कुर्बानी पेश करते हैं, और साहिबो अब यारा नहीं, जो खुद जा नहीं सकते थे आप खुद हाथों पे उठा के फिरात के किनारे पे ले जाते हैं। कहा जो आ सकते थे वो तो कदमों पे चल के आ गए, और जो कदमों पे नहीं चल सकते थे मैंने उठा के ले आया हूं। फिर एक दो शाखा तीर हल्के असगर में पेवस्त होता है, खून चुल्लू में देकर आसमान की तरफ उछालते हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बना तकबल मिन्ना हाजल कुर्बान, मेरे मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये काम आसान नहीं है, जिगर पारा हाथों में तड़प के ठंडा हो जाए और फिर भी सब्र का मुजाहरा किया जाए और अल्लाह की रिजा पे राजी हो जाए। अब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा रह गए, एक एक को रुखसत कर रहे थे शहादत का दूल्हा बनाकर, लेकिन अब इमाम हुसैन को रुखसत करने वाला कोई मौजूद नहीं है। आप घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला की तरफ फेर लगाई, खेमे के अंदर जो खवातीन थी वो जानती थी जो इस रास्ते गया फिर पलट के नहीं आया,
उसकी लाश हजरत इमाम अपने कंधों पे उठा के लाए हैं, अब इस हुसैन इब्ने अली की लाश कौन उठाएगा। कहा सबने के हुसैन ना जाइयो, कहा मैं नाने के दीन के लिए जा रहा हूं। मैदान अमल में गए, देखे बड़ा चमकी, लोगों के सर काट रही है, आवाज आ रही है, ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। हुसैन इब्ने अली ने करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर वो अजीमत की दास्तान रकम की, और फिर बोछार तीरों की, एक तनहा सैयद ज्यादा और हजारों तीर चारों सम से उनके ऊपर बरसने लगे, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारा। जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से नीचे उतरे तो उस वक्त आपके बदन पर 33 जख्म तलवारों के थे, 34 नेजे के अनिया आपके जिस्म के अंदर खुबी हुई थी, और मुहतात रिवायात के मुताबिक जब बाद में आपका पैराहन उतारा गया तो उसके अंदर 113 सुराख तीरों के निकले, और वो तीर जिस्म में पैवस्त थे, और जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर गिरे लगा जिस तरह रेहल से कुरान गिर गया हो। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर गिरे तो वो जो तीर जिस्म में खुबे थे वो और पैवस्त हो गए, खूने मुश्कबू रेत के जर्रों पे बहने लगा, गोया इस्लाम का दिल धरती के ऊपर है, कायनात राशे में आ गई, करबला की धरती का कलेजा कांप रहा है। हजरत उम्मे सलमा को हुजूर ने करबला की मट्टी दी, कहा जब ये खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। वो मदीने के अंदर ख्वाब देखती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम दाढ़ी मुबारक के अंदर गर्द मुबारक पड़ी हुई है और बाल उलझे हुए हैं, घबरा के उठ खड़ी हुई कि क्या माजरा है, और जल्दी से उस शीशी को देखा तो वो शीशी का जो मट्टी रखी हुई थी वो खून बन गया था। और आपने कहा अहले मदीना सुन लो, हजरत इमाम शहीद कर दिए गए हैं। इधर इमाम हुसैन खून और खाक के अंदर तड़प रहे हैं, और आपके जिस्म नाजुक पर बर्छियों तेगों और तलवारों के साथ जो है वो लोग वार कर रहे हैं। सनान बिन अंस नखी आगे बढ़ा लेकिन सर काटने की हिम्मत ना पड़ी, उसने नेजा मारा और आपके गले के करीब वो नेजा पार कर गया और खून का फवारा फूटा। जरा बिन शुरैक ने आपकी पेशानी पे नेजा मारा, आप घबरा के गिरे, उठे और फिर गिर गए, और फिर आपने अपनी पेशानी सजदे में रख दी, अपना खून जो था वो चेहरे पे मल लिया। हुसैन ने सुरख रंग के खून का जो खजाब था वो अपने दाढ़ी पे लगा लिया कि कल मैं अपने नाना को ये रंगत भी दिखाऊंगा। हरम की वो दास्तां जो मना से शुरू हुई थी आज उसकी तकमील हो रही है, वो गरीब और सादा और रंगीन दास्तां हजरत इमाम हुसैन रकम कर रहे हैं। खून से दाढ़ी रंग गई और आपके माथे के ऊपर रा बिन शुरैक ने वो जो नेजा मारा था उससे आप संभल न सके, उठ के फिर नीचे गिरे, पेशानी को सजदे में रखा, और सजदे में रख के अल्लाह की वारगाह में आखिरी लफ्ज जो मेरे इमाम की जुबान से निकले, दिलों की तख्तियों पे नोट कर लो और देखो, अल्लाह ताला के बंदे हजरत खलील ने दुआ मांगी थी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, मैं इस जगह पे अपनी जुर्रियत औलाद को छोड़ के आबाद करके जा रहा हूं और दुआ करता हूं कि वो नमाज को कायम रखें। आज उस दुआ की तकमील का मंजर लोगों के सामने है कि 113 तीर जिस्म में खुबे, 34 तलवारों के घाव, और वो भी रावी कहते हैं कि एक एक घाव में कितनी कितनी तलवारों के जख्म थे, और नेजे की अनिया जिस्म में खुबी हुई थी, आपके कलेजे के अंदर नेजे की अनी को तोड़ दिया गया था। इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को संभाल के पेशानी को रेत के ऊपर रखा और अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज हजरत इमाम हुसैन के लबों पे जो मचले, खून निकल रहा था, और थौली बिन यजीद आगे बढ़ के सरे अनवर को जुदा करने की तैयारियां कर रहा था, सनान बिन अंस आगे बढ़ा लेकिन कप कप आके पीछे हो गया, थौली बिन यजीद आगे बढ़ा वो भी पीछे हो गया, फिर शिमर आया और शिमर आपके जिस्म नाजुक के ऊपर बैठ गया। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा तो इसके बदन के ऊपर बरस के फुलबैरी के निशान थे, तो हजरत इमाम हुसैन की जुबान से निकला सदक अल्लाह व सदक रसूलुल्लाह, मेरे आका मेरे अल्लाह ने सच कहा।
उसने कहा क्या सच कहा? कहा एक दिन मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था तो हुजूर ने फरमाया था मैं देख रहा हूं एक चतकबरा कुत्ता मेरी औलाद के खून में मुंह मार रहा है, आज मैं देख रहा हूं कि मुस्तफा करीम का वो फरमान जो है वो पूरा हो रहा है। वो गुस्से में आया, इमाम जल्दी अपनी पेशानी सजदे में रखी और अल्लाह की बारगाह में इमाम के आखिरी लफ्ज थे अल्लाहुम्मा रज़न बिकज़ाए का व सबरन अला बलाए का तस्लीमन ले अमरे का सुबहान रब्बी अल आला सुबहान रब्बी अल आला सुबहान रब्बी अल आला। मालिक भाई बेटे भतीजे भांजे जानसार आयानो अंसार सब कुछ लटा के अब्बास के बाजू कटा के जो जा सकते थे उन्हें भेज के जो जा नहीं सकते थे खुद उठा के ले जा करके अब्बास के बाजू कलम करवा के ये खेमे के अंदर बच्चियां यतीम हो गई हैं सुहाग उजड़ गए हैं। मेरे मालक सब कुछ लुटा के नबी का घर उजड़ गया एक एक पत्ती गिर गई जिनको बुलाया गया था आज उनकी मेजबानी तीरों तलवारों और नेजों से हुई लेकिन मालिक तू देखा मेरी जुबान पे हाय नहीं आई मैंने उफ तक नहीं की जख्म पे जख्म खा के जी खूने जिगर के घूंट पी आह ना कर लबों को सी ये इश्क है ये दिल लगी नहीं ये मोहब्बत है। यहां लोग मसलूब भी होते हैं यहां लोग सूली भी चढ़ते हैं हुक्म होता है खबरदार अगर अहदी की तो साबरों से नाम काट दूंगा। कहा मालिक अल्लाहुम्मा रज़न बेकज़ाए का जो तकदीर थी मैं उस पर राजी हो गया वह सबरन अला बलाए का मालिक तूने देखा मैंने सब्र भी किया तस्लीमन ले अमरे का मुझे मालिक एतराज भी कोई नहीं जो तेरा हुक्म था मैंने उसको तस्लीम भी कर लिया सुबहान रब्बी अल आला। मालिक तू बड़ा है तू बड़ा है। हुसैन सब कुछ लटा के बच्चे कटा के बाजू कटा के घर उजाड़ के मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है और इतना कुछ करने के बावजूद भी तेरे पे राजी है। मेरे मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ है तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। आवाज आई इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका जब अंदाज है इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम मेरे साथ मिलके कह दो ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। यही वक्त था जब खानदान नबूवत लुट रहा था दोपहर का वही समा वही लम्हे इन हवाओं को हाथ जोड़ के कहो हमारा सलाम करबला वाले आका के हुजूर पहुंचा दे और अर्ज करो ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम नाज़शे आले नबी तुम पर सलाम तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम लाला गूं लाला बदन लाला कफन ए चमन अंदर चमन अंदर चमन जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात ए हयात अंदर हयात अंदर हयात इफ्तखारे मिल्लते बैजा है तू रब्बे काबा की कसम यकता है तू फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हम वाह हुसैन वाले हैं आ हुसैन वाले नहीं है। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम को हमालिया का कलेजा भी फट जाता शक हो जाता लेकिन इतने जख्म कलेजे पर जवां बेटे की लाश को कंधों पे उठा के लाना कोई मजाक तो नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने जबर के खिलाफ खड़े होकर कयामत तक के लिए कराहे अमल छोड़ा। हजरत इकबाल खिराज पेश करते हैं आ इमाम आशिका पूरे बतूल सर्वे आजादे दबिस्तान रसूल अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्ला पिदर मानाए जिबहे अजीम आयत बसर सुरख रू इश्के गयूर अज खूने उ शोखिये ई मिसरा अज मजमूने उ ता कयामत कते इस्तिब्दाद कर्द मौजे खूने उ चमन ईजाद कर्द। इकबाल कहता है कि इश्के गयूर के चेहरे पे जो सुर्खी और बाकपन है वो हुसैन इब्ने अली के खून का सदका है। कयामत तक के लिए जबर के खिलाफ जितनी भी कौमें उठेंगी और जितने भी लोग मैदान अमल में आएंगे मैं हर साल कहा करता हूं कि सबका कायद हुसैन इब्ने अली होगा। महात्मा गांधी ने जब अपनी कौम को कहा बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ और कौम से खिताब करते हुए महात्मा गांधी हिंदू ने कहा कि तुम कहोगे वो हुकूमत जिसकी सल्तनत में सूरज तुलू और गुरूब भी होता है उससे टकराना हमाकत है खुदकुशी करने के मुतरादिफ है।
लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों कह रहा हूं कि उस साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ? महात्मा गांधी ने कहा था इसलिए कि मेरे सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। आज पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और जबर की हवाएं चल रही हैं और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को किरदार हुसैन अदा करने की जरूरत है। अगर हम नाम हुसैन इब्ने अली का लें और करतूतें और लक्षण सारे यजीद वाले हों तो ये लफ्ज लफ्ज हरफ हरफ और कदम कदम हजरत इमाम हम्माम से मुनाफकत है। आओ अगर मैं नामे हुसैन लेता हूं तो घर भी उजड़ जाए, हक का परचम कभी ना गिरने दूं। मैं और आप इस अज़्म के साथ मैदान अमल में उतरे। इदारतुल मुस्तफा किसी तंजीम का नाम नहीं, ये एक फिक्र का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक मिशन और एक इनकलाब का नाम है, ये रूहों में हलचल पैदा करने के जज्बों का नाम है, ये मुस्तफा करीम के दर पे सलामी देने का नाम है, ये अपना सब कुछ मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान कर देने का नाम है। आओ इदारतुल मुस्तफा के प्लेटफॉर्म पे आप मैदान अमल पे निकले। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के गिरते हुए परचम को थाम लिया और जबर की आंधियों के मुकाबले के अंदर भी उस परचम को खम नहीं होने दिया। आज मैं और आप उनका मिशन उनकी फिक्र लेकर मैदान अमल में निकल आए, कुरान का फरेरा बनाकर कुरान का परचम ही सीनों में थाम कर अहले बैत की मोहब्बत अपने सीनों में लेकर मैदान अमल में निकले और कुरान की दावत घर घर दें। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाके दम लेना, आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना के दम लेना। अब ये उठने वाले कदम आगे बढ़ते रहें। ये दस्य कुरान का जो काफिला मुल्क के तुलो अर्ज के अंदर रवा दवा है, इसमें एक जोश पैदा हो जाए और इसके अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाए। कोई घर ऐसा ना रहे, कोई बस्ती ऐसी ना रहे, कोई कान ऐसा ना रहे जिस कान तक कुरान का नगमा ना पहुंचने पाए। इदारतुल मुस्तफा के जवान साल मुबल्लिग गली गली कूचे कूचे फैल जाएं और जो दाई हैं दावत देने वाले हैं अगर वो खुद पैगाम पहुंचा सकते हैं तो असद बिलाल इंदल्लाह अशद, बिलाल की असद भी अल्लाह को कबूल है। वो टूटे फूटे लफ्ज लेकर मैदान अमल में निकल आए, वरना वो सीडीज ले लें, वो और कुछ कुतब ले लें, वो दीन के नारा ले लें, वो पैगाम हक ले लें और गली गली कूचा कूचा उस वाय शब्बीरी और नामे हुसैन की दुहाई देते चले जाएं। आज मेरे वतन में मुनाफरत की हवाएं चल रही हैं, सूबाई असबियतों के तूफान उठ रहे हैं, पाकिस्तान का जो हामी है हरामी है हरामी है के नारे गूंज रहे हैं, पाकिस्तान ना खप्पे की बातें हो रही हैं। इस वक्त हुकूमतों को अपने इक्तदार से गर्ज है, मुल्क लुटता है, लोग रोटी के नवाले के लिए तरसते हैं, 18 रुपए में रोटी बिक रही है, इनको कोई पता नहीं है, इन्होंने मुल्क नहीं बनाया, इन्होंने मुल्क में ऐश किया, मुल्क के वसाइल को लूटा। मुझे तो वो बुजुर्ग याद आ रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानियां इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए माओ ने अपनी ममता भरी गोदियां कुर्बान कर दी, किसी ने अपना सुहाग उजाड़ दिया। इस वतन के लिए तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। आज इस वतन के ऊपर मुश्किल हालात हैं, आओ हमने मिलकर इस पाकिस्तान को बचाना है। रूहे हुसैन से खराज मांगे और हजरत इमाम हुसैन से अर्ज करें कि ऐ इमाम पाक हमारे जज्बों को कुव्वत दे दो, अपने खून की हरारत हमारे खून में डाल दो और हमारे दिलों को हरीम कुदस से आशना कर दो। अल्लाह मुझे आपको अपनी राहों का मुसाफिर बनाए। कारे मा आखिर शुदो आखिर जिमा कारे नशुद, मुश्तखा के मागो बारे कूचाए यारे नशुद, व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुजर
مدینے والے گزر جے تیرا مدینے والے گزر جے تیرا سنے کے رازے دے گے پھیرا کبھی درود و سلام میرا یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام آج جانا ہو رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں دے دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے. اے اللہ، ہم جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے. ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے. اے میرے مالک، اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق دے دے. اے اللہ، ہمیں راہ حق کا مسافر بنا دے. اے اللہ، ہماری ساری زندگی تیری وفا میں گزرے، ساری زندگی راہ دین میں گزرے. اے اللہ، سانسوں کی دھڑکن تیرے ذکر کے ساتھ چلتی رہے. اے اللہ، جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول کر لے. اے اللہ، اس اجتماع کی برکتیں سب کے پہنچنے سے قبل قبل سب کے گھروں تک پہنچا دے. اے اللہ، جو دکھی آئے ان کے دکھ دور کر دے، جو مقروض آئے ان کو قرض سے نجات دے دے، جو پریشان آئے ان کی پریشانی دور کر دے. اے اللہ، جو گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے انہیں گناہوں سے نجات دے دے. اے اللہ، ہمیں نیکی والی زندگی دے، ہماری زبانوں کو سچائی دے دے، ہماری آنکھوں کو حیا دے دے. اے اللہ، ہماری سوچوں کو پاکیزگی دے دے. اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی دھڑکنیں دے دے. اے میرے مالک، جو بیمار انہیں شفا عطا کر. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین والہ واصحابہ اجمعین برحمت